हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ में काफ़ी हेल्दी रेसिपी शेयर करने वाले हैं। अगर आपने लंच या फिर डिनर में काफ़ी लाइट खाना खाना चाहते हैं, अपना वेट कम करना चाहते हैं, बीपी या फिर डायबिटीज़ जैसी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप आराम से इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए आधा कप चने। तो हमने रात में इसको भिगोना है चनों को, और मॉर्निंग में इसे उबालना है। आधा कप से भीगने के बाद में एक कप हो गया है, और इसमें हम डालेंगे एक दो चीज़ें, जैसे कि हमने छोले उबालते हैं, बस चाय पत्ती इसमें हमने नहीं ऐड करनी है, बस थोड़ा सा नमक, दालचीनी, काली मिर्च, स्टार एनिस, और आप अपने मन से खड़े मसाले होते वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। तो खुशबू के लिए नमक डालेंगे। इसको हमें प्रेशर कुकर में उबाल लेना है, अच्छी तरीके से पक जाए। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो पानी बहुत सारा निकालना पड़ता है, तो थोड़ा सा लेवल में पानी हमें डालना है। अब हमें एक पूरा साबुत लहसुन ले लिया है। लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं तो ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे 10 से 15 कली आप लहसुन की ले लीजिए, इसको रख देते हैं साइड में। यहाँ पे हमने लिए एक गोभी, तो गोभी मीडियम साइज़ की है, बहुत बड़ी नहीं ना ही बहुत छोटी, मीडियम साइज़ की हमने गोभी ले ली है। इसके फॉलेट इस तरीके से निकाल लेंगे और इसे हल्के से गुनगुने पानी में धो लेना है 2 से 3 बार। और धोने के बाद में क्या करेंगे, इसको किसी कॉटन के टॉवल से, पेपर से ऐसे पोंछ देना है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा पानी होता है ना वो निकल जाएगा। और थोड़े से छोटे पीस इस तरीके से काट लेने हैं। उसके बाद में हमें इसको ग्राइंड करना है। तो ग्राइंड करने के लिए हमें बिल्कुल इसको पेस्ट नहीं बनाना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए, बिल्कुल लो पे हमें इस तरीके से ऐसे ग्राइंड कर लेंगे, तो एकदम इसके जो गोभी के पीसेस है ना बिल्कुल पेस्ट नहीं बनेंगे, और एक आध से चंक्स रह जाते हैं। तो इसको सेकेंड टाइम पे जार में डाल के ग्राइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोभी अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है, और बहुत ही ज़्यादा इसका पेस्ट नहीं बना है, सारे एकदम चंक्स अलग अलग दिख रहे हैं छोटे छोटे से। इसको रख देते हैं साइड में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं छोले भी रेडी हो चुके हैं उबलने के बाद में। छोले उबलते टाइम ध्यान रखना है कि पानी नहीं डालना है इसमें ज़्यादा। यहाँ पे लहसुन जो हमने लिए थे, थोड़ा सा इनको इस तरीके से क्रश कर लेना है, ताकि अच्छा सा इसका टेक्स्चर आए लहसुन का, आप देख सकते हैं। तो लहसुन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा ही रखेंगे। लहसुन भी हमारा रेडी हो चुका है। अब जो भी सैलड जो भी आपको पसंद है, सीजनल जो भी सैलड हो, आप इसमें पालक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मूली के पत्ते, अगर मूली का टाइम है तो मूली के पत्ते भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स जो भी आपको पसंद है वो आप सैलड इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने एक छोटा सा ऑयस्टर मशरूम का बंच लिया है। जो हम लोग नॉर्मल मशरूम इस्तेमाल करते हैं उसे बहुत ही ज़्यादा पानी रिलीज़ होता है जब से कुक करते हैं, तो हो सके तो बटन मशरूम ना इस्तेमाल करें। अगर आपको ऑयस्टर मशरूम मिल जाते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे 1 इंच हमने जिंजर ले लिया है, इसको भी बारीक काट लेना है हमें, इसको भी साइड में रख देंगे। सारी प्रिपरेशन हो चुकी है कटिंग वाली। अब लेते हैं कढ़ाई, इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा हम जीरा डाल देंगे, और एक बड़े साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज हमने डाल दिया है। प्याज को हल्का सा गुलाबी होने तक हमें भूनना है पहले, उसके बाद में इसके अंदर जो हमने लहसुन को क्रश किया था, लहसुन, अदरक सारी चीज़ें ऐड कर देनी है, और हल्का सा इसको 1 मिनट के लिए सौते कर लेना है। अभी थोड़े से मसाले डालेंगे, इस रेसिपी के अंदर बहुत ज़्यादा मसालों की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पर थोड़ी सी हमने धनिया इस्तेमाल करी है, और हल्दी बहुत ही कम, 1/4 टीस्पून के करीब हल्दी हमें ऐड कर देनी है। सारी चीज़ों को भून लेना है सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए, ताकि मसालों को हल्का सा कच्चापन चला जाएगा। मसाले भूनने के बाद में इसमें गोभी ऐड कर देनी है, गोभी को अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें सारी चीज़ें मीडियम हाई फ्लेम पर ही रखेंगे, बहुत लो फ्लेम पर नहीं, क्योंकि फिर पानी बहुत ज़्यादा छूटता है गोभी का भी, तो पानी में कहीं भी नहीं ऐड करना है, और फ्लेम को मीडियम हाई फ्लेम के बीच में रखना है। और यहाँ पे गोभी को अच्छे से सारे मसालों के साथ में मिक्स करेंगे। बस 1 मिनट के लिए आपको सारे मसालों के साथ में चला देना है, मिक्स कर देना है। उसके बाद में इसमें मशरूम ऐड कर देंगे, और मशरूम डालने के बाद में हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए मशरूम के साथ में मिक्स करना है। सारी चीज़ अच्छे मिक्स हो जाएंगी, एकदम एंड में डाल देंगे इसके अंदर हम छोले जो हमने बॉयल करे थे। छोले डालने के बाद में थोड़ा सा इसमें गरम मसाला, फिर काली मिर्च का पाउडर आप ऐड कर सकते हैं। हमने इस रेसिपी के अंदर हरी मिर्च नहीं इस्तेमाल करी है, आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। हल्का सा इसका रंग अच्छा आ जाए तो हमने पेपरिका पाउडर इस्तेमाल करा है। आप जो भी आपके पास अवेलेबल है, या फिर कश्मीरी लाल मिर्च या फिर पेपरिका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर ना भी करें तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा पेपरिका पाउडर ऐड कर देते हैं। सारी चीज़ों को बस 3 मिनट के लिए हमें स्टर करना है, और कवर करके नहीं पकाना है।
यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छा सा सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, और नीचे भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी जला नहीं है कुछ भी, और पानी नहीं है इसके अंदर आप देख सकते हैं। तो इसको लगातार स्टर करते रहेंगे, नहीं तो गोभी जो है ना चिपकने लग जाती है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा तेल नहीं इस्तेमाल करा है इसके अंदर, पानी हमें बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है। तो इसको कंटिन्यूसली स्टर करते रहना है ताकि नीचे गोभी चिपके ना, और बस बहुत देर तक नहीं पकाना है, ओवर कुक हो जाता है ना तो गोभी का हल्का सा क्रंचीनेस वो भी चला जाता है, गोभी बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। तो ओवर कुक नहीं करना है हमें, बस हमारा पुलाव आप बोल सकते हैं बिना चावल का पुलाव बन के रेडी हो चुका है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। वेट अगर आप कम करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो इसको सर्व करेंगे गर्मा गर्म, आप चाहें तो इसके अंदर ऊपर से ड्रेसिंग के लिए, थोड़ा सा फ्रेशनेस के लिए और ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए अपने मनपसंद का सैलड इस्तेमाल कर सकते हैं, कैप्सिकम इस्तेमाल कर सकते हैं, टमाटर, फ्रेश प्याज इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़े से नट्स ऊपर से इसके ऊपर गार्निश कर सकते हैं। तो और जैसे कि हमने आगे वीडियो में बोल दिया था गर्मा गर्म सर्व करेंगे, लेकिन इसे गर्मा गर्म नहीं सर्व करना है, थोड़ा सा ठंडा हो जाए इसका टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर लगभग आ जाए, हल्का सा गुनगुना सा रहे, और बस फिर इसमें सैलड ऐड करेंगे, बाकी चीज़ें जो भी आपको पसंद हो वो आप इसे ऐड करके सर्व कर सकते हैं, और आप इसे ट्राई करेंगे आपको ही पसंद आएगी। अगर आप अनाज की मात्रा अपने खाने में कम करना चाहते हैं, वेट कम करना चाहते हैं, बीपी या फिर डायबिटीज़ जैसी कोई प्रॉब्लम है, तो आप आराम से बना सकते हैं और काफ़ी टेस्टी भी रहता है। और इस रेसिपी के अंदर अपने हिसाब से वेरिएशन कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको चने नहीं डालने, स्प्राउट मूंग्स भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर, और कोई भी स्प्राउटेड जैसे कि दालें होती वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है वैसे आप इसको थोड़ा सा अपने हिसाब से इसमें वेरिएशन कर सकते हैं। तो आई होप आपको हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी, अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कुक विद शिवा चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में, तब तक लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।